व्यूअर, मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट लाइफ। जी हाँ, इस खबर में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर लता मंगेशकर को लेकर। बता दें कि उनकी हालत असलियत में कैसी है और कैसी नहीं, इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर भी ढंग से कोई जानकारी नहीं दे रहे। लेकिन उनके प्रवक्ता जो है अभी वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हालत बिल्कुल ठीक है और इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो लगातार खबरें उड़ती जा रही हैं कि लता मंगेशकर की हालत तो बिगड़ती जा रही है, उनकी हालत बहुत खराब है और बहुत खराब स्थिति में है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लता दीदी की हालत अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है तब तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। तो आप जो भी फैंस हैं वो इस चीज की चिंता ना करें कि आपकी लता दीदी कैसी और कैसी नहीं, क्योंकि उनके प्रवक्ता जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि मामला तो शुरू हुआ था तब जब इनके बावर्ची ने इनके लिए खाना बनाया था और इनका बावर्ची ही कोरोना पॉजिटिव था। तो लता मंगेशकर का कोरोना पॉजिटिव होना बनता था और वो जब कोरोना पॉजिटिव हो गई, उनको पॉजिटिव होने के साथ साथ निमोनिया भी हो गया और अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अभी भी सोचने वाली बात तो यही सामने आती है बार बार कि आखिरकार 6 दिन बाद डॉक्टर्स ने क्यों बताया कि लता मंगेशकर आईसीयू में है, और अगर वो ठीक है तो आईसीयू में क्यों है। ये लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और सवाल आपके मन में भी होंगे। लेकिन लगता है कि जब तक लता मंगेशकर अस्पताल से वापस आएगी तो वो तभी इन सवालों का जवाब दे पाएगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि उनकी तबीयत के बारे में बाहर कुछ भी ना बताया जाए। आगे की जानकारी बताते हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मशहूर गायिका लता मंगेशकर बीती 8 जनवरी से ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। शाम को खबर आई थी कि उनकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि अब उनके प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लता दीदी स्थिर है, उनकी हालत ठीक है। गौरतलब है कि 92 ईयर्स की लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ साथ निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने एक औपचारिक बयान जारी किया है कि वह स्थिर है। प्रवक्ता ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाते देखना परेशान करने वाली चीज है। कृपया ध्यान दें कि लता दीदी स्थिर है, आईसीयू में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कृपया उनके जल्द घर वापस आने की प्रार्थना करें। इससे पहले लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने वाली खबर पर हमारे सहयोगी ने उनकी बहन और सिंगर आशा भोसले से बात की थी। आशा भोसले ने कहा था, नहीं नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है, मैंने ब्रिज कैंडी अस्पताल के अधिकारियों से बात की जिन्होंने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट किया है। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल के प्रवक्ता को गायिका की स्थिति पर अपडेट देना चाहिए क्योंकि लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही अस्पताल उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट कर सकता है। लेकिन ये बात तो अभी भी दबी हुई है कि आखिरकार लता मंगेशकर जी की तबीयत अच्छे से ठीक हुई है या फिर नहीं। लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए चले कि वेंटर सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर 8 जनवरी से ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन पहले खबर आई थी कि हालत बिगड़ गई है, लेकिन बता दें कि जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर हमारे सहयोगी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। आशा भोसले से उनकी दीदी लता मंगेशकर की बिगड़ती हालत के बारे में आ रही खबरों के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से सिर्फ 30 मिनट पहले ही बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी को दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है, उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताते चले कि 9 जनवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में एडमिट है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है। वो अभी भी आईसीयू में ही है। ऐसे में उनके प्रशंसक उनकी तबीयत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं।
अगर जानकारी के हिसाब से बात करें तो बता दी कि गायिका लता मंगेशकर को अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। फिलहाल वो कैसी है, उन्हें एडमिट कराया गया था, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, ऐसे में उनसे किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। फिलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और लोग भी लगातार उनके लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर को तबीयत खराब होने के बाद 9 जनवरी को अस्पताल लाया गया था। उन्हें निमोनिया भी है और साथ ही साथ उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही आईसीयू ने डॉक्टर के पैनल की निगरानी में है। वही खबर ये भी है कि खुद लता मंगेशकर नहीं चाहती कि उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताया जाए। उनकी उम्र भले ही 92 ईयर्स है, लेकिन उनकी इस उम्र में तबीयत खराब होना एक चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से हर किसी को अपना फ़ैन बना लिया था और आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि लता मंगेशकर अस्पताल में है और बाहर हजारों हाथ दुआओं में उठे हैं और दुआ यही है कि लता दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर इनके करियर की और स्ट्रगल की बात की जाए तो बता दें कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से और स्ट्रगल से बीता है। जब ये छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत तो तभी हो गया था, लेकिन जब उम्र इनकी 13 साल हुई तब पिता भी चल बसे थे, लेकिन इनको गाने का बहुत शौक था और सारी बहनें ही गाकर ही काम चलाती थी। तो जब पिता का देहांत हो गया उसके बाद भी इन्होंने अपनी गायिका नहीं छोड़ी और गायिका करते करते आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई कि इनके अपना देश हो या फिर भारत विदेश हो, किसी ने भी इनके गाने नहीं छोड़े। हर कोई इनका गाना सुन के इनको हमेशा याद करता है और साथ ही साथ इनकी तारीफें भी बटोरती है। और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इनके घर पर होना। लेकिन अगर इस चीज़ की बात की जाए कि आखिरकार ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई, तो ये चीज़ भी आपको बताते चलते हैं कि इनके एक नौकर जो घर में काम करते हैं उन्हीं को कोरोना था और वो खाना बनाते थे यानी कि बावर्ची, जिसकी वजह से इनको भी कोरोना हो गया। और ये भले ही घर पे रहती हो, लेकिन जब घर पे ही कोरोना था तो फिर इनको होना लाजमी ही था और वही चीज़ हुई। बता दें कि 2019 में इनको पहले सांस की दिक्कत भी हुई थी और कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी इनको कोरोना हो गया था, लेकिन तब तो जल्द ही तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन इस बार तबीयत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन असलियत में तबीयत ख़राब है या ठीक है इस चीज़ की जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन फैंस इस चीज़ की जानकारी जल्द से जल्द चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है उनकी लता दीदी को लेकर कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसी है। लोग परेशान भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उम्र के साथ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होना सही चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो अपनी बहनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आशा भोसले के साथ उनका मनमुटाव हो गया था, क्योंकि सबको मालूम ही है कि आशा भोसले ने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन शादी भी किसी ऐसे वैसे से नहीं की थी, वो भी गायक ही थे और उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद बहनों के बीच का मनमुटाव भी कम होता चला गया। अब साथ ही ये भी बता देते हैं कि लता मंगेशकर के जीवन में स्ट्रगल तो था ही बचपन से लेकर, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई तब भी उन्होंने स्ट्रगल देखा कि उनकी आवाज़ पतली है, उनको उर्दू नहीं आती है, और इस चीज़ पर भी उन्होंने जमकर काम किया। और आज उनकी आवाज़ ऐसी है कि बच्चे से बच्चा और बुज़ुर्ग हो हर कोई उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। और ऐसा ही नहीं है कि पुराने ज़माने में ही इन्होंने गाने गाए, यहाँ तक कि जो नए ज़माने के गाने हैं उसमें भी इन्होंने गानों की लड़ी लगा दी है और इन लोगों को बहुत पसंद भी आती है। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी है, आप लता दीदी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 लाइफ।